hello everyone welcome to my youtube channel in the previous video we have covered the various topics of this chapter chapter number 1 that is knowing our numbers in which we have discussed one important concept that is indian place value system and international place value system right so using those concept today we are going to solve exercise 1.1 लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन वन दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स यहां पे आपको कुछ ब्लैंक्स दी है जिसको आपको फिल करना है right? तो उसके लिए आपको place value याद होनी चाहिए पे ध्यान से समझना स्टूडेंट्स वन लैख इक्वल्स टू ब्लैंक टेन थाउजेंड तो आप देख सकते हो कि यहां पे मैंने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम रखी हुई है तो देखो वंस प्लेस टेंस ंड्रेड प्लेस थाउजेंड प्लेस टेन थाउजेंड प्लेस एंड लैख so, आपको क्वेश्चन क्या दिया यहां पे स्टूडेंट्स वन लैख इक्वल्स टू ब्लैंक टेन थाउजेंड तो वन लैख अब देख सकते हो लेख पे आगर, आएगा आएगा इधर राइट सो क्या लिखेंगे हम वन लैख क्लियर है वन लैख इधर मतलब वन जीरो 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 क्लियर एक के पीछे कितने जीरो आएंगे फाइव आर जीरो

So, ये आंसर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इंडियन प्लेस सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो आपको आता होगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन मिलियन इक्वल्स टू ब्लैंक हंड्रेड थाउजेंड चलो मिलियन किस में आता है इंटरनेशनल सिस्टम में अंदर अंदर आता है तो देखो वंस प्लेस टेंस प्लेस दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम वंस प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड थाउजेंड टें थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन तो यहाँ पे आया मिलियन राइट चलो मिलियन में कितने जीरोज है वन एक दो तीन चार पाँच क्लियर? सो दिस इज वॉट वन मिलियन ओके आपको क्या पूछा है कि वन मिलियन इज इक्वल टू ब्लैंक हंड्रेड थाउजेंड तो हंड्रेड थाउजेंड कहाँ पर है इधर तो इधर से लिखना शुरू करेंगे देखो वन टू एक के पीछे कितने जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ओके okay? यहां पे भी आप देख सकते हो इधर छः जीरो है और इधर कितने जीरो है फाइव तो इसको छः बनाने के लिए इन दोनों को इक्वल करना है तो इसको छः बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे टेन से क्लियर सो so, यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे दैट इज टेन हंड्रेड थाउजेंड क्लियर बिकॉज वन मिलियन के अंदर कितने जीरोज होते हैं छ इज इक्वल टू हंड्रेड थाउजेंड के अंदर पाँच जीरो तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इट क्लियर स्टूडेंट्स ओके नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज वन करोड़ इक्वल्स टू ब्लैंक टेन लैख देखो करोड़ और लैख ये इंडियन सिस्टम में आते हैं राइट right? क्योंकि इंटरनेशनल में लैख आता नहीं है सो वन करोड़ इक्वल्स टू ब्लैंक टेन लैख चलो वापस हम इंडियन सिस्टम का चार्ट देखते हैं ओके okay? चलो यहाँ पे करोड़ कहाँ पे है इधर तो मैं वन इधर लिखूंगा अब चलो वन के पीछे कितने जीरोज होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन राइट सो वन करोड़ मीन्स वॉट एक दो तीन चार पाँच छ सात राइट दिस इज वॉट वन करोड़ इज इक्वल टू कितने बोले है टेन लैख चलो टेन लैख तो ये टेन लैख इधर तो इधर वन आएगा और पीछे कितने जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो वन two, three, four, five, six. क्लियर सो दिस इज what ten lakh. तो so इधर अब देखो इधर zeros है और इधर कितने zeros है स्टूडेंट्स six zeros है तो so इसको seven करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ten से राइट तो आंसर क्या आएगा ten ten lakh. सो so one करोड़ इक्वल्स टू ten ten lakh. क्लियर है ओके नाउ द नेक्स्ट इज one करोड़ इक्वल्स टू ब्लैंक मिलियन देखो यहाँ पे करोड़ इंडियन सिस्टम में आता है और मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में आता है चलो देखो तो यहाँ पे दोनों को रिलेट करना है चलो वन करोड़ मतलब यहाँ पे आएगा ओके तो कितने जीरोज होंगे वन करोड़ के अंदर ये वन लिख दिया एक दो तीन चार पाँच छः सात वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है अब वन मिलियन बोला है क्या बोला है आपको वन करोड़ इक्वल्स टू ब्लैंक मिलियन तो मिलियन कहाँ पे है इधर है तो इधर वन रखो इसके पीछे कितने जीरोस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इज इट क्लियर स्टूडेंट्स तो यहां पे सात जीरो पे कितने जीरो तो इसको सात करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे टेन से अवर आंसर इज वॉट टेन मिलियन राइट क्लियर है स्टूडेंट्स ओके द नेक्स्ट इज वन मिलियन इक्वल्स टू ब्लैंक लैक यहाँ पे भी मिलियन कहाँ पे आता है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर और लेख कहाँ पे आता है इंडियन सिस्टम में चलो इन दोनों को वापस रिलेट करें वन मिलियन तो ये आपका वन मिलियन हो गया इज इक्वल टू ब्लैंक लेख बोला है चलो वन मिलियन में कितने जीरोज आएंगे पीछे छह जीरोज तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्लियर और इज इक्वल टू ब्लैंक लेख तो लेख के अंदर कितने जीरोज आते हैं स्टूडेंट्स फाइव जीरोज आते हैं ओके okay. तो यहां पे छः है और यहां पे कितने हैं? फाइव है तो इसको छः बनाने के लिए क्या करेंगे टेन से मल्टीप्लाई तो आंसर इज वॉट टेन लेख क्लियर आई होप आपको क्वेश्चन नंबर वन समझ में आ गया होगा कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टू प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स आपको यहां पे वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसमें से आपको न्यूमरल्स में लिखना है मतलब नंबर्स के फॉर्म में लिखना है और आपको क्या लगाना है कॉमा लगाना है तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था कि कॉमा कहाँ पे लगता है तो हमारे पास दो टाइप के सिस्टम है इंडियन सिस्टम ऑफ़ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ़ न्यूमरेशन तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से अलग तरीके से कॉमा प्लेस होता है और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से अलग तरीके से कॉमा प्लेस होता है राइट तो इंडियन सिस्टम में हम जानते हैं कि लास्ट पीछे से तीन डिजिट के बाद कॉमन लगेगा उसके बाद दो दो का ग्रुप बनेगा ठीक है और जहां पे ग्रुप बनता है वहां पे प्लेस वैल्यू क्या होगी चेंज हो जाएगी इज इट क्लियर ओके अब इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से पीछे से क्या बनेगा तीन तीन के डिजिट्स के ही ग्रुप बनेंगे ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेवनटी थ्री लैख अब देखो स्टूडेंट्स क्या आया लेख आया तो यहां से तो आपको पहले पता चलना चाहिए कि कौन सी सिस्टम है ये सेवनटी थ्री लैख इट मीनस दैट ये कौन सा सिस्टम है इंडियन सिस्टम है बिकॉज इंटरनेशनल में तो लैक आता नहीं है तो हम इसको पहले इंडियन सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे सी दिस इज योर इंडियन सिस्टम ओके वंस प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख टेन लेख करोड़ एंड टेन करोड़ मैंने क्या बताया था इंडियन सिस्टम में तीन तीन डिजिट के बाद ग्रुप लगता है सॉरी पहले पीछे से तीन डिजिट के बाद कॉमा उसके बाद दो दो डिजिट के बाद कॉमन लगेगा चलो तो ये वन टू और ये थ्री ये डिजिट के बाद कॉमन लगा इसका मतलब ये एक ग्रुप बन गया इसको साथ में रीड करेंगे फिर दो दो के बाद तो ये एक और ये दो तो ये दोनों को साथ में पढ़ेंगे मतलब ये थाउजेंड प्लेस हुआ फिर ये दो तो ये कौन सा प्लेस हुआ लेख और ये हो गया करोड़ प्लेस क्लियर है चलो अब हमारा क्वेश्चन देखो सेवेंटी थ्री लेख तो लेख प्लेस कहाँ पर है इधर है तो यहाँ पर रख देंगे सेवेंटी थ्री फिर क्या हो जाएगा कॉमा फिर सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो थाउजेंड प्लेस पे सेवेंटी फाइव तो इधर सेवेंटी फाइव रखेंगे चलो क्या रखेंगे इधर बोलो पहले क्या आया सेवेंटी थ्री लेख ये रख दिया फिर क्या आया सेवेंटी फाइव थाउजेंड फिर है थ्री हंड्रेड एंड सेवन तो थ्री हंड्रेड एंड सेवन अब कॉमा लगाएंगे तो पीछे से तीन डिजिट के बाद ये कॉमा हो गया और फिर दो दो डिजिट के बाद इज इट क्लियर स्टूडेंट्स सो इन दिस वे यू कैन राइट द न्यूमरल्स ऑफ Given वन क्वेश्चन ओके नेक्स्ट is question B, that is नाइन करोड़ फाइव लैख फोर्टी वन देखो यहां पे भी करोड़ है तो करोड़ कौन से सिस्टम में आता है स्टूडेंट्स? इंडियन सिस्टम में ही आता है ओके okay? चलो तो वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख टेन लैख करोड़ यहां पे क्या है नाइन करोड़ तो हम क्या लिखेंगे नाइन देखो टेन करोड़ नहीं है तो आगे क्या लिख सकते हैं जीरो अब जीरो लिखे या ना लिखे फर्स्ट डिजिट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं लेकिन जहां पे बीच में अगर आता है तो आपको लिखना जरूरी है ओके okay, चलो नाइन करोड़ फिर क्या है फाइव लैख अब देखो आप प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर ये टेन लैख का प्लेस है और ये लैख का प्लेस है यहां पर क्या बोला है? सिर्फ फाइव लैख तो फाइव लेख है तो हम क्या लगाएंगे जीरो क्लियर चलो फिर फोर्टी वन यहां पे थाउजेंड का कुछ मेंशन किया नहीं है तो थाउजेंड के कितने डिजिट आते हैं दो तो वो दो क्या रहेंगे ज़ीरो मतलब ये थाउजेंड हो गया अब हंड्रेड प्लेस पे भी कुछ नहीं है तो वो भी क्या क्या हो जाएगा ज़ीरो और फोर्टी वन देखो चेक करके चेक आप इसको चेक कर सकते हो वंस प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख एन करोड़ तो क्या आया नाइन करोड़ चलो अब क्या लगा देंगे सबसे पहले कॉमा इधर हमने कॉमा प्लेस कर दिया तीन डिजिट के बाद फिर दो दो डिजिट के बाद चलो रीड करो इसको नाइन करोड़ ये लेख प्लेस दो तो फाइव लैख थाउजेंड पे कुछ नहीं है तो नहीं रीड करेंगे और लास्ट में क्या इन तीनों को साथ में दैट इज क्लियर सो पे कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं बीच में जहां पे मिसिंग जीरोज होते हैं वहां मिसिंग नंबर्स होते हैं वहां पे क्या लगाना है जीरो लगाना है स्टूडेंट्स इज इट क्लियर ओके नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज सेवन करोड़ फिफ्टी टू लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू चलो सेवन करोड़ तो यहाँ पे सेवन लिख दिया अब क्या है फिफ्टी टू लैख तो फिफ्टी टू लेख हो गया फिर ट्वेंटी वन थाउजेंड तो ट्वेंटी वन थाउजेंड हो गया देखो हर एक प्लेस प्लेस, प्लेस थाउजेंड ग्रुप आएगा वहाँ पे क्या लगेगा कॉमा एंड थ्री हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड टू चलो पीछे से कॉमा लगाना शुरू करो तो यहाँ पे तीन डिजिट के बाद फिर दो फिर दो रीड करो इसको देखो चेक कर सकते हम वनस प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस थाउजेंड टेन थाउजेंड तो ट्वेंटी वन थाउजेंड हो गया फिर लेख टेन लैख तो फिफ्टी टू लेख हो गया एंड सेवन करोड़ क्लियर है आई होप आपको ये न्यूमेरल्स कैसे लिखते हैं वो पता चल गया होगा द नेक्स्ट इज क्वेश्चन डी दैट इज फिफ्टी एट मिलियन अब देखो स्टूडेंट्स क्या आया मिलियन आया मिलियन आया मतलब कौन सा सिस्टम आएगी इंटरनेशनल सिस्टम सो फिफ्टी एट मिलियन फोर हंड्रेड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड टू देखो इंटरनेशनल सिस्टम को अगर हम कंपेयर करते हैं देखो यहां पे तो इंटरनेशनल सिस्टम में वंस प्लेस टेन्स प्लेस हंड्रेड प्लेस थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड टेन मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन ओके इंडियन में पीछे से तीन डिजिट के बाद कॉमा लगता था फिर दो दो डिजिट के बाद जबकि यहां पे पीछे से तीन तीन डिजिट के ही ग्रुप बनेंगे मतलब तीन तीन के ही बाद ही कॉमा लगाना है ओके चलो अब यहाँ पे क्या बोला है फिफ्टी एट मिलियन तो ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड प्लेस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम फिफ्टी एट फिर क्या लग जाएगा कॉमा अब ये थाउजेंड प्लेस आया तीनों का ग्रुप एक बना ना तो थाउजेंड प्लेस है अब देखो फोर हंड्रेड ट्वेंटी थ्री तो फोर हंड्रेड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड कॉमा लगा यानी ये थाउजेंड प्लेस पे आ गया क्लियर टू हंड्रेड टू तो टू हंड्रेड टू तो दिस इज योर नंबर्स क्या मिला गा आपको नंबर फिफ्टी एट मिलियन फोर हंड्रेड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एंड टू हंड्रेड टू यहां पे कॉमा लग जाएगा इज इट क्लियर द लास्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी थ्री लैख थर्टी थाउजेंड टेन अब ये कौन से सिस्टम से सॉल्व होगा स्टूडेंट्स लेख आया तो इंडियन सिस्टम चलो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख एंड टेन लेख यहाँ पे क्या बोला है ट्वेंटी थ्री लैख चलो तो ट्वेंटी थ्री लैख लिख दिया फिर क्या बोला है थर्टी थाउजेंड तो ये थर्टी थाउजेंड भी लिख दिया अब पीछे बोला है टेन 10. तो हंड्रेड प्लेस की वैल्यू नहीं है तो क्या लगाएंगे जीरो और लास्ट में लिख देंगे टेन चलो कॉमा कहाँ पर प्लेस करेंगे पीछे से तीन डिजिट के बाद फिर दो डिजिट के बाद क्लियर है स्टूडेंट्स तो आई होप क्वेश्चन नंबर टू समझ में आ गया होगा

So, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो थ्रू इट एंड देन आफ्टर ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओके चलो इंडियन सिस्टम है तो हम पीछे से तीन डिजिट के बाद पहला कॉमा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा देखो ये नंबर लिख देता हूं मैं पहले चलो पीछे से तीन डिजिट के बाद तो यहाँ पे कॉमा लगा फिर दो दो डिजिट के बाद कॉमा लगाना है क्लियर अब पढ़ो इसको कौन सा प्लेस पे वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख टेन लेख एंड करोड़ तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स एट करोड़ फिर इन दोनों को साथ में करोड़ के बाद कौन सा प्लेस आता है लेख सो so, साथ में पढ़ो इसको सेवेंटी फाइव लेख ठीक है लेख के बाद कौन सा प्लेस आएगा थाउजेंड इन दोनों को साथ में पढ़ो दैट इज नाइंटी फाइव थाउजेंड और लास्ट में ये तीन का ग्रुप तो तीन को साथ में पढ़ो तो क्या पढ़ेंगे इसको सेवन हंड्रेड सिक्सटी टू क्लियर है स्टूडेंट्स तो इन दिस वे यू कैन राइट दी वर्ड्स ऑफ द गिवन न्यूमरल्स ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहले क्या करेंगे नंबर लिख देंगे चलो लास्ट से तीन डिजिट के बाद कॉमा इधर भी कॉमा अब प्लेस वैल्यू पढ़ो क्या है एंड तो ये टेन लैख दो का ग्रुप साथ में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको स्टूडेंट्स एटी फाइव लैख ओके फिर ये दो को साथ में पढ़ो लेख के बाद कौन सा प्लेस आता है थाउजेंड तो क्या रीड करेंगे इसको फोर्टी सिक्स थाउजेंड और लास्ट में तीन को साथ में दैट इज टू हंड्रेड एटी थ्री क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पहले नंबर लिख देंगे चलो पीछे से तीन डिजिट के बाद कॉमा फिर दो फिर दो ओके चलो प्लेस वैल्यू से मैच करें इसको वन्स प्लेस टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। देखो हंड्रेड प्लेस पे जीरो है तो सिर्फ इन दोनों को ही रीड करेंगे सो so, देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लेख एंड करोड़ तो करोड़ पे कौन सा है सिर्फ नाइन है चलो नाइन करोड़ फिर क्या आएगा दोनों को साथ में रीड करो नाइनटी नाइन लैख फिर देखो थाउजेंड प्लेस पर तो कुछ नहीं है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर इन तीनों को साथ में रीड करो यहाँ पे हंड्रेड प्लेस पे भी कुछ नहीं है तो इन दोनों को साथ में रीड करो तो क्या लिखेंगे फोर्टी सिक्स क्लियर है चलो द लास्ट क्वेश्चन इज पहले नंबर लिख दो अगर आपने कॉमा प्लेस कर दिए ना तो आप रीड करना भी सही से जान सकते हो और लिखना भी लिख भी सकते हो चलो पीछे से तीन डिजिट के बाद कॉमा फिर दो फिर दो ठीक है चलो वन्स प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लेख एंड देन करोड़ तो क्या लिखेंगे नाइन करोड़ हो गया इसका काम ख़त्म अब इन दोनों को साथ में करोड़ के बाद लैख प्लेस आता है तो एटी फोर लेख हो गया अब लैख के बाद थाउजेंड थाउजेंड पे क्या है थर्टी टू थाउजेंड उसके बाद सेवेन हंड्रेड वन क्लियर इन दिस वे यू कैन इंसर्ट द कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड राइट इन वर्ड्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन तो यहां पे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से अब आपको कॉमा प्लेस करने हैं और उसके नंबर्स लिखने हैं चलो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि तीन तीन डिजिट का ही ग्रुप बनता है तो यहाँ पे ये तीन के बाद कॉमा लग गया और ये तीन के बाद कॉमा लग गया ठीक है अब इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या था वंस प्लेस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड उसके बाद मिलियन एंड टेन मिलियन तो ये मिलियन प्लेस है ये थाउजेंड प्लेस है और ये तीनों का हंड्रेड टेन एंड वन प्लेस है ठीक है तो इसको कैसे लिखेंगे देखो मिलियंस प्लेस पे आया तो दोनों को साथ में रीड करो तो सेवेंटी एट मिलियन फिर इन तीनों को साथ में रीड करो कौन सा कैसे रीड करोगे इसको स्टूडेंट्स नाइन हंड्रेड ट्वेंटी वन कौन से प्लेस पे है थाउजेंड आफ्टर नाइन्टी टू क्लियर है स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट नंबर सबसे पहले क्या करेंगे नंबर लिख देंगे अब क्या लगाएंगे कॉमा तो तीन डिजिट के बाद कॉमा इधर कॉमा चलो रीड प्लेस वैल्यू के साथ कंपेयर करो तो वन प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन तो सिर्फ सेवन है तो क्या लिखेंगे सेवन मिलियन चलो इसका काम खत्म फिर इन तीनों को साथ में कौन से प्लेस पे है ये थाउजेंड प्लेस पे तो क्या रीड करेंगे फोर हंड्रेड फिफ्टी टू थाउजेंड चलो इसका काम खत्म अब इन तीनों को साथ में रीड करो तो टू हंड्रेड एटी थ्री क्लियर डन ओके चलो नेक्स्ट इज सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया नंबर्स लिख दो चलो तीन तीन डिजिट के बाद कामा लगाएंगे तो वन टू थ्री कॉमा वन टू थ्री कॉमा ओके चलो प्लेस वैल्यू के साथ कंपेयर करो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन तो क्या लिखेंगे इधर कि नाइन्टी नाइन मिलियन चलो मिलियन के बाद इन तीनों को साथ में तो नाइन हंड्रेड एटी फाइव थाउजेंड और लास्ट में इन तीनों को साथ में सो वन हंड्रेड एंड टू ओके क्लियर है चलो लास्ट क्वेश्चन इज सबसे पहले नंबर लिख देंगे चलो तीन तीन डिजिट के बाद ग्रुप ओके नाउ कंपेयर विद द प्लेस वैल्यू चार्ट वंस प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन एंड टेन मिलियन तो इन सब इन दोनों को साथ में रीड करो तो फोर्टी एट कौन से प्लेस पे है मिलियन प्लेस पे सो फोर्टी एट मिलियन फोर्टी नाइन एट हंड्रेड थर्टी वन क्लियर सो इन दिस वे यू कैन राइट दर्ड फॉर्म ऑफ द न्यूमरल्स बाई यूजिंग विच सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सो आई होप आपको एक्सरसाइज वन पॉइंट वन समझ में आ गई होगी If you like this video, then just like this video and subscribe my channel. Thank you.